हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वाड्रेटर चैप्टर के क्वेश्चन दिए हैं, उनको देखेंगे। क्या करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट एज एसर्शन एंड स्टेटमेंट सेकंड एज रीजन एंड हैज फोर चॉइसेस ए बी सी एंड डी। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, मार्क द करेक्ट चॉइस। इसमें से करेक्ट चॉइस को चूज करना है, फोर ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए फोर चॉइसेस है। पहला चॉइस कब करेंगे, जब स्टेटमेंट वन ट्रू हो, स्टेटमेंट टू भी ट्रू हो और स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तब। बी कब चूज करेंगे, स्टेटमेंट वन ट्रू हो और स्टेटमेंट टू भी ट्रू हो लेकिन स्टेटमेंट टू इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, तब ये चूज करेंगे बी। सी कब चूज करेंगे, स्टेटमेंट वन ट्रू हो और स्टेटमेंट टू फॉल्स हो। डी कब चूज करेंगे, जब स्टेटमेंट वन फॉल्स हो और स्टेटमेंट टू ट्रू हो। चलिए 33 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना जी। चलिए तो ये ट्रू दिख रहा, डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है। तो डायगोनल जो होते हैं पैलोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन देखिए इसमें डायगोनल के बाइसेक्ट होने की बात हो रही है, इसमें डायगोनल के इक्वल होने की बात है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। दोनों करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट वन भी ट्रू है और टू भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 34 नंबर में दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट। देखिए डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इक्वल तो होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये कब चॉइस करेंगे, जब डी पहला देखिए डी फॉल्स हो और दूसरा ट्रू हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट। देखिए ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर कैन बी ऑब्टूस एंगल। देखिए किसी क्वाड्रेटर के अंदर देखेंगे तो है ना, अगर बात करें एंगल्स की, तो अगर सभी ऑब्टूस एंगल हो जाएंगे, तो अगर मान लीजिए सभी 90 से बड़े होंगे तो सम उनका 360 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो फॉल्स होना हो जाएगा क्योंकि सभी एंगल्स का सम क्वाड्रेटर के अंदर 360 होता है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज 360, ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डी ना चूज करेंगे, डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि फर्स्ट है फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। 36 नंबर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल हो पैलोग्राम का तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, बिल्कुल ये ठीक है ना जी। फिर आगे क्या करा, डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डायगोनल अगर इक्वल हो जाएंगे पैलोग्राम के तो रेक्टेंगल होगा, लेकिन यहाँ पैलोग्राम के डायगोनल के बाइसेक्ट होने की बात हो रही है, तो दोनों में फर्क है, दोनों ट्रू है लेकिन फर्क है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, इन फिगर 13.24, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, फिगर 13.34 में क्या दिया हुआ है, इफ एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई मिड पॉइंट है, ये इसको इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा मीडियन है, तो बीई प्रोड्यूस एंड मीट एसी एट एफ, एफ पे मीट करा, तो ये एफ 1/3 होता है एसी का, ये हम लोग बहुत बार प्रूव किए थे, ये ट्रू है। यहाँ से याद है हमने यहाँ से एक डी जी या कोई भी पैरेलल ले लिया था बी एफ के और फिर उसके बाद दिखाया था ये प्रूफ करके, तो ये ट्रू था ना जी। चलिए देखिए अगला स्टेटमेंट देखिए सेकंड क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है कि द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा क्या कह रहा है कि एक लाइन खींचते हैं, देख लीजिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले जाता हूं, एक लाइन क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसके एक साइड के मिड पॉइंट से जो हम लोग लाइन खींचते हैं जो पैरेलल हो अनदर साइड के, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है
थर्ड साइड को इसके मिड पॉइंट पे, यानी ये इसके इक्वल हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट पे ना ये हम लोग प्रूफ की है, बिल्कुल ये भी ट्रू है और इसी का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 37 का ए नंबर। 38 देखते हैं क्या करें कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इनक्लोज ए रेक्टेंगल। अच्छा देखिए, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो बाइसेक्टर होते हैं किसी पैरेललोग्राम के एंगल्स के, देख लेते हैं एक बार, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम बना लेते हैं और इनके एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है। चलिए इसके एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, ए बी सी डी, इसके एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल डी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर। तो इवन मीट करने पे यहाँ पे जो बीच में ये जो क्वाड्रेटर बन रहा है ये क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, बिल्कुल ये ट्रू है। चलिए अब इसका स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, इन ए पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। देखिए दो को कंजिक्यूटिव एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, उसी तरह से इन दोनों के ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, तभी ना ये आपका रेक्टेंगल हो पा रहा है, यानी कि ये भी ट्रू है और इसी का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, तभी ना ये रेक्टेंगल फॉर्म हो पा रहा है। चलिए तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस देखते हैं 39 में, स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर 130 डिग्री, 70 डिग्री एंड 60 डिग्री, द मेजर्स ऑफ फोर्थ एंगल इज 100 डिग्री। देख लीजिए इनको ऐड करके, ये 200 और ये 260, तीनों मिला के 260 हुआ, तो टोटल तो 360 होता है, 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ जा रहा है, बिल्कुल ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज 360, ये भी ट्रू है और इसी के कारण ना ये फॉर्म हो पा रहा है, इसी से ना ये आप निकाल पा रहे हो, बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 40 नंबर देखते हैं, 40 नंबर में क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जानते हैं पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये ट्रू था। अब देखिए ये क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो देखिए जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, अगर वो इक्वल हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे राइट एंगल पे, तब तो वो स्क्वायर ही ना कहलाएगा जी। डायगोनल इक्वल हो और एक दूसरे पे राइट एंगल पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है ना जी, तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये भी बिल्कुल ट्रू है और इसी से ना इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, बिल्कुल ये ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, नहीं होता है, ये बिल्कुल ये फॉल्स है। फिर आगे क्या करा है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्ड ए रेक्टेंगल, हम लोग याद है ये देखे थे पैरेललोग्राम के एंगल का बाइसेक्टर जो होगा वो क्या फॉर्म करता है, वो क्या फॉर्म करता है जी, एंगल का बाइसेक्टर वह एक रेक्टेंगल फॉर्म्ड करता है, बिल्कुल ये रेक्टेंगल फॉर्म करता है, ये ट्रू है। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 42, इन अ रोम्बस ए बी सी डी द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी। हाँ देखिए जो डायगोनल होते हैं आप रेक्टेंगल रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं उसके अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल ये ट्रू है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हाँ डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये हम लोग जानते हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, इसके ये तो वर्टेक्स वाले एंगल अपोजिट एंगल की बात कर रहा है कि बाइसेक्ट करता है और इसमें ये डायगोनल की बात हो रही है, तो दोनों ट्रू है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका बी नंबर आंसर रहेगा। तो यही क्वेश्चन थे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांत सर.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।